आप सभी का हमारे चैनल कविता एजुकेशन क्लासेस में। हम लेकर आए हैं आज आपके लिए क्रिसमस पर एक निबंध, तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिसमस ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार है। ईसाई समुदाय के लोग इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाते हैं। यह त्योहार प्रतिवर्ष पच्चीस दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। जीसस क्राइस्ट एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने समाज को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने दुनिया के लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया था। उन्हें ईश्वर का इकलौता पुत्र माना जाता है। क्रिसमस के दिन ईसाई लोग
ईसाई लोग अपने घरों को भली भांति सजाते हैं। क्रिसमस की तैयारियां। कुछ दिनों पहले ही होने लगती हैं। क्रिसमस पर घर और बाजारों की रौनक बढ़ जाती है। घर और बाजार रंगीन रोशनियों से जगमगा उठते हैं। चर्च में विशेष प्रकार की प्रार्थना होती है। सभी एक दूसरे को उपहार देते हैं। इस दिन आंगन में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है और उसकी विशेष प्रकार से सज्जा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सांता क्लॉज स्वर्ग से आता है और लोगों को मनचाहा उपहार देकर चला जाता है।